स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साधु नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हम गाय भैंस के डोके करने का मतलब होता है पावसना। मतलब जब भी हम गाय भैंस के यहाँ बच्चा छोड़ते हैं या उसके थनों को सहलाते हैं या जो दूध देने का सही समय होता है उस समय गाय भैंस दूध उतार लेती है, यानी थनों में दूध उतार लेती है, उसे हम पावसना कहते हैं या डोके करना कहते हैं। अगर मान लीजिए जो समय है दूध देने का, उस समय अगर डोके कर रही है, पावस रही है, इट मीन्स वेरी गुड, सही है सब कुछ। लेकिन अगर समय के अलावा ही डोके कर रही है या बिना टाइमिंग, मतलब दूने का जो समय है वो मान लीजिए सुबह 5 बजे का है और दूध निकालने के बाद भी डोके कर रही है या उसके समय से पहले ही डोके कर रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, वो देख लेना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि डोके करने की कंडीशन से हम कैसे पता करें कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत ही बड़ा विषय है, कैसे पता करें। गाय भैंस हम क्रॉस करवा देते हैं या AI करवा देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं कि गाभिन हुई या नहीं हुई। तो देखिए, अगर हमने क्रॉस करवाया या AI करवाई, उसके तुरंत दूसरे दिन ही भैंस पावसी हुई है, गाय पावसी हुई है, यानी डोके कर रही है, इट मीन्स बिल्कुल गलत बात है। अगर तीसरे दिन भी डोके कर रही है तो भी गलत बात है। अगर चौथे दिन भी डोके कर रही है तो भी गलत बात है। यानी कि क्रॉस करवाने से दूसरे, तीसरे, चौथे दिन अगर डोके कर रही है, इट मीन्स खाली रहने की संभावना है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खाली रहने की संभावना है। इसके अलावा जो ही हमने क्रॉस या AI करवाई और 5 या 6 दिन तक एकदम से नॉर्मल रही, किसी प्रकार की कोई डोके करने की शिकायत नहीं थी, उसके बाद 7 से लेकर 14 दिन के बीच अगर गाय भैंस डोके कर रही है, इट मीन्स गाभिन होने की संभावनाएं काफ़ी है, 90 से भी ऊपर है। अगर 7 से 14 दिन के बीच में गाय भैंस डोके कर रही है तो, लेकिन यही डोके अगर 16वें दिन, 17वें दिन, 18, 19वें या 20वें दिन अगर होते हैं तो वहाँ पर आपको समझ लेना है स्थिति खराब है और वापस हीट में आने वाली है। यानी अब वापस हीट साइकिल जो है वो चालू होने वाला है, प्रोएस्ट्रेस की अवस्था धीरे धीरे आ रही है, यानी CL जो है वो अंदर रिग्रेंस हो रहा है और कार्पस एल्बिगेंस में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब वापस हीट में आएगी। ये सारी बातें हैं जो दो हीट के बीच में हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर 1-1.5 महीना हो गया और उसके बाद अगर डोके कर रही है, इसका मतलब भी हमें शंका रहेगी कि बार बार डोके कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब गाभिन नहीं ठहरी है। तो वहाँ पर आप ये टाइम पीरियड नोट करें कि कितने दिन से डोके कर रही है। अगर मान लीजिए पहले डोके किया, 2-4 दिन बाद और डोके किया, 2-4 दिन बाद और डोके किया, इट मीन्स हार्मोनल इम्बेलेंस है, प्रॉब्लम हार्मोन्स की है। लेकिन अगर वही डोके निरंतर 20 दिन के अंतराल से कर रही है, 20 दिन से आपने देखा कि यार 1.5-2 महीने की है और डोके कर रही है, 2 दिन तक डोके किए या 3 दिन तक डोके किए, उसके बाद आपने वेट किया और 20-25 दिन बाद यही स्थिति वापस आई, इसका मतलब खाली रहने की पूरी संभावना है या फिर उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन है। ये आप अपने पशु चिकित्सक से जांच करवा लें और जांच करवाने के बाद अगर वास्तव में प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन है तो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन वो आप अपने आप लगा देंगे। तो ये काम पूरा होता है डोके देने की प्रक्रिया। कब कैसे हम पता करें गाभिन है या नहीं है, तो शुरुआती अवस्था में जो डोके देने की प्रक्रिया है या जो डोके देने की जो आदत होती है, वो डोके देती है, उससे हम क्लियर पहचान लेते हैं गाभिन है या नहीं है।